हो जाओ खोराक मराक कर शुरू ठीक है हाँ महीने से हाँ पटकी की दलता उनसे बात करके आ रहा हूँ ठीक है आशीष मित्र बात करना पीछे ले आ गया। अच्छा यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ, फिर यहाँ पर एक मस्जिद भी बनाई गई है, मतलब प्रेयर एरिया भी बनाया गया है। अगर आपको नमाज पढ़नी है, आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पे प्रॉपर जमात हो रही थी, अभी खत्म हुई है, तो अगर किसी को नमाज पढ़नी है तो यहाँ पर नमाज की अदायगी भी कर सकता है। ये सारी सहूलियात यहाँ पर आने वाले लोगों को दी गई है। मैंने आज से पहले ये नहीं देखा था यहाँ पे, लेकिन अब देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और सहूलत यहाँ पर दी गई है कि अगर यहाँ पर आने वाला कोई बंदा या कोई शख्स मरीज हो, बीमार हो, उसको सेहत की सहूलत किस तरह से दी जा सकती है, तो उसके लिए आपको अपना डॉक्टर भी मिल सकता है। यहाँ पर डॉक्टर हजरात भी बैठे होंगे और आपको ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। मतलब ये वाला जो सारा सिस्टम है, यहाँ से आपको ये टैबलेट लगा दिया गया है और यहाँ से आपको डॉक्टर ऑनलाइन अवेलेबल होगा। पेशेंट यहाँ पर बैठेगा, जो भी पनागा आएगा, और उसको प्रॉपर यहाँ पर चेक करने के लिए सहूलियात मौजूद हैं, और फिर यहाँ से डॉक्टर जो कुछ भी बताएगा मेडिसिन के लिए वो फिर यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। वॉशरूम का यहाँ पर बेहतरीन इंतजाम है। वैसे ये चीजें दिखाने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ आपको इतना दिखाना है, सफाई सुथराई का इंतजाम यहाँ पर किस हद तक है, साफ बिल्कुल, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं, हर चीज़ साफ सुथरी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो ये वो इज्जत नफ्स है जिसका यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ठंडा गर्म दोनों जैसा पानी आपको अवेलेबल है। वहाँ पे सामने आपको गीज़र लगा हुआ नज़र आ रहा है, तो गीज़र लगाया गया है यहाँ पर ताकि लोगों को सहूलत दी जा सके। सफाई सुथराई के निज़ाम के लिए यहाँ पर सफाई का प्रॉपर एक चार्ट बना रहता है, जिस पर तारीख के हिसाब से जो आपके सफाई करने वाले अटेंडेंट हैं, उनका मुआयना करने वाले जो शिफ्ट इंचार्ज हैं, फिर किसने तस्दीक की है, उन सब की लिस्ट बनती है और दिन में दो बार यहाँ पर सफाई होती है। आगे आपको चल के दिखाता हूँ। अभी चूंकि लोग यहाँ पर आए नहीं हैं सोने के लिए, कुछ देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो ये इन सब के सोने के लिए उनके आने से पहले तमाम बेड्स लग चुके हैं, और हर बेड के ऊपर एक मजे की आपको चीज दिखाता हूं। ये देखिए, ये पैकेट देखिए, ये पैकेट, ये सारे बेड्स के ऊपर आपको नजर आएगा। जैसे ये नजर आ रहा है आपको, ये सारे बेड्स पे उनके सराहने पे ये पैकेट रखा रहता है पनागा का, जिसमें एक मसवाक है और दूसरा ये साबुन है पिन पैक, ताकि हर कोई सुबह उठ के इसको यूज कर सके। तो ये हर आने वाले मुसाफिर के सराहने रख दी जाती है। फिर बेहतरीन आपको लिहाफ दिए गए हैं, बिस्तर कंफर्टेबल हैं, बेड कंफर्टेबल हैं, साफ सुथरे आपके रजाइयां तलाइयां जो कुछ भी आपको सोने के लिए चीजें चाहिए होती हैं। गर्मियों में यहाँ पर पंखे लगाए गए हैं और सर्दियों के इंतजाम के लिए यहाँ पर हीटर लगा दिए जाते हैं, वो वजीर आजम ने भी खसूसी तौर पर डायरेक्शन दे रखी है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे होता है। सुबह यहाँ से लोग निकल जाते हैं अपने अपने कामकाज के लिए और फिर रात को आके यहाँ पर आराम करते हैं। तो सारे आदाब और तौर तरीके पश्तो में, उर्दू में, हर जगह पर लिख के लगाए गए हैं ताकि जो भी यहाँ पर आए वो इन चीजों को समझ सके। इस वक्त ये तमाम लोग पनागा में आराम की घर से पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं तो इसलिए इनके लिए फ्री शटल सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। दूसरी पनागा से गाड़ी यहाँ पे आई है, एक पनागा तो पिशावर मोड़ पर है, दूसरी तरलई पनागा एक है, वहां से ये शटल भेजी गई है ताकि अगर यहां पर लोग ज्यादा हो जाएं और अगर किसी को रहने की जगह ना मिल सके तो उनको ये शटल सर्विस यहां से ले जाके दूसरी पनागा में मुंतकिल कर देगी। तो बहुत से ऐसे लोग जो खुद से जा नहीं सकते या जिनके पास ट्रैवल के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, उनके लिए ये फ्री शटल सर्विस है।